दोस्तों, हाल ही में जो तोकते तूफान कई जगहों पर टकरा रहा है और आगे भी कई जगहों पर टकराने वाला है, तो क्या आपके शहर में कब आएगा वो तूफान? आप इसकी लाइव लोकेशन एक ऐप की मदद से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी ऐप है जहाँ से आप तूफान कहाँ पर पहुँचा है वो देख सकते हैं। तो प्ले स्टोर में आपको वो ऐप मिल जाएगी, उस ऐप का नाम है विंडी। इस तरह की ऐप है, उसको आपको ओपन कर लेना है। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिए। देखो, पहला इंटरफेस ऐसा आता है, आपको दिख रहा होगा कि अभी जो तूफान है वो इस जगह पर पहुंचा है, और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको अगले 2 दिन का प्रिडिक्शन बता रहा है कि वो तूफान किस ओर जाएगा, यानी कि वो किस शहर से टकराने वाला है। और ये हर 2-3 घंटे के बाद आपको देखते रहना है कि वो इसकी दिशा कहाँ पर है। और साथ में इसका कई सारे मेनू भी है, विंड गेजर, और रेन कहाँ पर चल रही है, स्नोफॉल कहाँ पर हो रहा है, थंडरस्टॉर्म कहाँ पर है, और बारिश ज़्यादा कहाँ हो रही है, कितने बादल है, वो सभी मेनू इसमें आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी ऐप है, आपको प्ले स्टोर में आपको इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। और ये आपकी लोकेशन आपने ग्रांट कर ली है तो आपको ये नोटिफिकेशन भी भेजेगा कि आपके शहर में बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है। तो आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और ये देखिए, सैटेलाइट इमेज भी आपको ये ऐप दिखा रहा है कि बादल किस तरह से कहाँ पर जा रहे हैं और आने वाले दिनों में वो किस दिशा में जाएंगे। ये ऐप आपको बारिश के मौसम में बहुत ही काम आ सकता है, इसलिए आप इस ऐप को इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए। ये दूसरी ऐप से बहुत बढ़िया है। अभी ये तूफान गुजरात की ओर जाने वाला दिख रहा है, गुजरात की ओर टकराएगा, और बहुत सारे ऑप्शन आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। और ये ऐप बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लेती। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी आप दबा देना ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कोई भी स्थल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसका वेदर आपको मिल जाएगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या नहीं, कितने परसेंट चांस है कि बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है। तो आपको इस तरह के कहीं भी सिटी की आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको ये बहुत काम आ सकती है, क्योंकि इससे आप अपने खेत में लगाए हुए पाक यानी कि अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए।